नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सर्दियों में न्यूबॉर्न पप्पी को हम कैसे बचाएं, क्योंकि न्यूबॉर्न पप्पी में डेथ का दो मेन रीजन है। पहला रीजन है कि हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा रीजन है हाइपोथर्मिया। और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया में सबसे बड़ा रीजन है हाइपोथर्मिया, क्योंकि सर्दियों के दिनों में मैक्सिमम पप्पीज की डेथ कूल एनवायरनमेंट की वजह से डेथ होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम अपने पप्पी को किस तरीके से रखें जिससे हमारी पप्पी की डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से न हो। तो दोस्तों, पहला टिप्स ये है कि आप अपने घर में उस रूम को चूज करें जो सबसे ज्यादा गर्म रहता हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जिन रूम के पास में बाथरूम होता है वो रूम ज्यादा ठंडे होते हैं। तो आप उस रूम को चूज करें जो आपके घर में सबसे ज्यादा गर्म रहता है। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप गेट खोलते हैं तो गेट के सामने जो कॉर्नर होता है उसको चूज न करें, उसके अपोजिट कॉर्नर को चूज करें, क्योंकि जितने बार आप गेट को खोलेंगे उतने बार उसमें ठंडी हवा प्रवेश करेगी। तो कोशिश ये करें कि सीधे सीधे जो कॉर्नर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो आपके गेट के सामने ना आता हो, उस कॉर्नर को चूज करें। अब मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि कॉर्नर को कैसे रखना है, उसमें कैसे बाउंड्री बनानी है। दोस्तों, अगले टिप्स की बात करें तो कॉर्नर में उतना स्पेस रखें जिससे डॉग को पप्पीज को दूध पिलाते समय लेटने में कोई परेशानी या पप्पीज को मां से दबने की संभावना ना हो। दोस्तों, उतना स्पेस देने के बाद में एक बाउंड्री ईंट या कागज के मोटे गत्ते से बनानी है। बाउंड्री को इतना नीचा भी न रखें जिससे बच्चे इसको लांघकर बाहर की ओर आ जाए, और इतना ऊंचा भी ना रखें कि माँ को अंदर या बाहर जाने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि जब आप ऐसे बाउंड्री इस तरीके से बना देंगे तो बच्चे बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चा दूध पीता है और जैसे ही माँ जाती है तो बच्चे माँ के पीछे पीछे भागने लगते हैं, तो ऐसे बच्चे का टेम्परेचर डाउन होने की संभावना रहती है। जब बच्चा अंदर ही रहेगा और सारे बच्चे इकट्ठे रहेंगे तो उसमें जो सर्दी लगने के चांसेस बच्चों को बहुत कम रहते हैं। दोस्तों, बाउंड्री बनाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि बच्चे माँ के निकलते समय बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे तो बच्चों का टेम्परेचर एकदम चेंज नहीं होगा, और दूसरा फायदा ये रहता है कि जब बाउंड्री बनी होगी तो बच्चे बाउंड्री के अंदर जब रहते हैं तो पास पास में लेटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, जिससे बच्चों को ठंड लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि जो आपने स्पेस बनाया है उसमें आप सबसे पहले फर्श पे क्या यूज करें। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आपको शहर में अवेलेबल हो सकता है तो कोशिश ये करें कि धान की पराली, जो गर्मी का बहुत अच्छा सोर्स है, धान की पराली को फर्श पे बिछाएं, उसके ऊपर बोरे बिछा दें, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट टाइप का या फिर बेडशीट टाइप की डाल दें, जिससे आपको डेली के डेली उसको बेडशीट को हटाने में कोई दिक्कत ना हो। जो डॉग मलमूत्र करते हैं उस गंदगी को आप डेली के डेली साफ कर सकें। तो उसके ऊपर सबसे ऊपर बेडशीट को रखें, वो आपको पर डे चेंज करनी है। तो नेक्स्ट टिप्स ये है कि आप 3 से 5 मीटर की हाइट पर एक 200 वाट का बल्ब को लगाएं, और बल्ब लगाते समय ये ध्यान रहे कि बल्ब को आपको कॉर्नर पर नहीं लगाना है, कॉर्नर की एक साइड की वॉल पे लगाना है। उससे फायदा ये होगा कि जब बच्चे को ज्यादा गर्मी लगेगी तो वो दूसरी साइड की वॉल की तरफ चला जाएगा, जिससे उसको ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉर्नर पे लगाएंगे तो गर्मी दोनों साइड जाएगी, दोनों वॉल पे जाएगी, तो बच्चे को हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्म फील होने की वजह से बच्चे का डिहाइड्रेशन भी हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रहे कि जब आप बल्ब को लगाएं तो बल्ब को एक साइड की वॉल पे लगाएं। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में बच्चे का लगभग शुरुआत के एक हफ्ते में टेम्परेचर, बच्चे के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब बच्चा दूसरे हफ्ते में आ जाए या दूसरे हफ्ते का होने वाला हो तो टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए बच्चे के सराउंडिंग्स का। और जब बच्चा 2 से 4 हफ्ते का होने पर आ जाए तो उस समय बच्चे के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो जब आपका बच्चा लगभग 20 दिन का हो जाए उस समय आप बाउंड्रीज को हटा सकते हो, जिससे बच्चा दूध पीने के बाद में रूम उस बाउंड्री से बाहर निकल के आ सके। लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि उस समय भी बच्चे को आपको उस रूम से बाहर नहीं निकालना है,
आप बाउंड्री से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 20 दिन पे बच्चे का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। उस समय बच्चे का शेवरिंग रिफ्लेक्स और वैसो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन उस समय भी बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि लगभग 2 वीक से 4 वीक की एज में आप बच्चे को रूम से बाहर न निकालें, लेकिन उस एज पे आप बाउंड्रीज को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाउंड्री को हटाएंगे तो बच्चे जब रूम में इधर उधर जाएंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा होता है वो थोड़े से टेम्परेचर के वो बॉडी के थोड़े से टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बच्चे को इस एज पे भी रूम से बाहर नहीं निकालना है। जब आपका बच्चा लगभग 1 मंथ का हो जाए, उसके बाद में आप बच्चे को थोड़ा बहुत बाहर टहला ले सकते हो, रूम के बाहर टहला सकते हैं, न कि आप घर के बाहर ले जा सकते हैं। रूम के बाहर तो आपको बच्चे को लगभग 1.5 महीने के बाद में निकालना है। ये ध्यान रहे कि बच्चे का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम पूरी तरह डेवलप होने में 3 महीने लगते हैं। इस एज तक आपको बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि 3 महीने की एज तक आते आते बच्चे का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाता है, शिवरिंग रिफ्लेक्स प्रॉपर काम करने लगता है, वैसो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुकी होती है। 3 महीने के बाद में आप बच्चे को घर से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में ये ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा ठंड हो उस दिन आपको रूम घर से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि 3 महीने की एज से पहले बच्चा बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को घर से बाहर न निकालें। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि 3 महीने से पहले बच्चे को आप घर से बहुत ज्यादा ठंड में बाहर न निकालें, और अगर आपका पप्पी 1 महीने से कम है तो उसको उस रूम से, जिस रूम में आप रख रहे हैं, उस रूम से बाहर नहीं निकालना है। तो एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब आप पप्पीज के लिए बेडिंग कर रहे हैं तो उसके बेडिंग के ऊपर भी आपको 1 या 2 ब्लैंकेट रखने हैं, जिससे अगर बच्चे को ठंडी लगे तो वो उसके अंदर घुस के बैठ जाए और उसको ठंड ना लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।